तो नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। मैं राज। चलिए दोस्तों, अब जो है कि 16 फरवरी को आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स का, बिहार बोर्ड, ठीक है, 2024 का। आइए शुरुआत करते हैं वैसे क्वेश्चन जो आपको डाउट है, जो आपको दिक्कत करेगा, परेशान करेगा। हालांकि 100 प्रश्न है, इसमें से 50 का जवाब देना है, लेकिन भाई साहब आपको 50 में 50 आना चाहिए, तभी 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव बना पाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैसा सवाल पूछा जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, देखिए यहाँ पर बता दिया है कि तृतीय कौन है। देखिए मैं चार्ट बना दे रहा हूँ, ऐसा होता है आपका चतुर्थांश, ठीक है ना। इस प्रकार का चतुर्थांश होता है बच्चों, यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई डैश, ठीक है। और ये होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है, ये होता है आपका नेगेटिव, ओके, ये होता है आपका पॉजिटिव और ये होता है नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है ना। अब देखिए इसमें प्रथम पाद होता है दोस्तों, ये प्लस प्लस होता है। बात ये है कि सबसे पहले हम एक्स का मान लेते हैं, उसके बाद वाई का। वो एक्स को बोलते हैं भूल, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है। वाई को बोलते हैं कोटि, यानी प्रथम पाद में देखा जाए तो जो है प्रथम पाद में देखा जाए दोस्तों, तो जो आपका, ठीक है, जो आपका भुज भी है और कोटि भी है, वो दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है, दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पाद में देखा जाए तो पहले आप एक्स लेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स डैश है ना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी द्वितीय पद पद का ये हाल है। तृतीय पद में देखिए माइनस ए भी है, माइनस नीचे भी है डैश, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस वाई, यानी माइनस माइनस का चिन्ह होता है। और चतुर्पाद की बात करते हैं, यहाँ पॉजिटिव होता है पहले एक्स, है ना, उसके बाद वाई होता है माइनस में, ठीक है ना, यानी प्लस और माइनस का कमन होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पूछा है कि निम्न से कौन सा बिंदु तृतीय पाद में है, तो आप जान गए कि तृतीय पाद तो यही है माइनस माइनस का। तो देखिए इसमें से चुनिए ऑप्शन बी, ऑप्शन दिखाई दे रहा है -4 -6, ठीक है। उम्मीद रखते हैं कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले इसी को आपको बनाना है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं किस प्रकार से 16 फरवरी को पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, देखिए यहां पर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपको परेशान करेगा, हैरान करेगा, लेकिन बहुत ही आसानी से इस वीडियो को देखेंगे पूरा पूरा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जो है ट्रिक से भी उड़ा सकते हैं, ट्रिक से भी उड़ा सकते हैं। देखिए चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ पर सवाल कुछ पूछा हुआ है, देखिए एग्जाम में आप 40 प्रश्न बना लेंगे, आराम से बनाएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन जो है कि आपको हैरान करेगा, परेशान करेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड नहीं है। यूपी बोर्ड में थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड में थोड़ा सा ज्यादा फास्ट क्वेश्चन होता है। तो क्या करना है आपको, 10 क्वेश्चन के लिए मेहनत करना होगा, ठीक है। आप अंधेर को नगरी नहीं मारेंगे, कहने का मतलब कि देखा देखी नहीं करेंगे, है ना, पढ़े होंगे आप लोग तो आराम से मारिएगा। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए, इस टाइप का सवाल, यदि इस टाइप का सवाल दिखाई दे तो आपको एग्जाम में कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है चित्र में पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं, यदि यहाँ पर देखिए दे दिया है बच्चों कोण ए पी ओ बराबर 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब है कि कोण पी का मान यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री, यहाँ पर पूछ रहा है ओ, यानी कोण ओ का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वह त्रिज्या पर लंब होती है, यानी यहाँ कहने का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। आइए मैं फिगर दूसरा बना दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए बड़ा थोड़ा सा बना दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का फिगर आप डोनेट करेंगे रफ करने के लिए, सिर्फ यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप जो है कि आराम से समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा आपको बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो बच्चों, आपको बाबू दिक्कत ना हो बेटा, और आराम से जो है बनाकर लाए सवाल, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि यहां पर आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है, और यहां पर देखिए स्पर्श रेखा ऐसे हो गई, उसके बाद देखिए यहां पर दिया हुआ है वो इस समद्विभाजित है, यहां इसका मान जो है 30 दिया हुआ है, इस साइड का मान,
और आप जानते हैं कि जो देखिए यहाँ पर पी दे देते हैं, पी दिया हुआ है बच्चों और ए दिया हुआ, समझ जाएंगे तो गर्दा गर्दा मचा देंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इसका मान 3 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आपको हम रंग को पतला कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो दिया हुआ मान है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा कि पी और पी भी स्पर्श रेखाएं, देखिए भैया ए आमने सामने की बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर लंबवत होती है, यानी कहने का मतलब है यहाँ बनेगा 90 डिग्री और यहाँ भी बनेगा आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब देखिए शर्त याद कीजिए बच्चों, अभी नोट कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं और नोट कीजिएगा क्योंकि लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग पॉइंट को नोट करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलिए पॉइंट यही है कि चूंकि समझिएगा स्पर्श रेखाओं के बीच को कोण केंद्रक से गुजरने वाली रेखा समद्विभाजित करती है, यानी कहने का मतलब है जो ए वाला कोण है दिखाई दे रहा है आपको, ये जो हाफ पर होता है आधा पर होता है, तो इधर का मान देखिए, यानी कहने का मतलब कि APO का मान दिया है 30 डिग्री, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों OPB का मान भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब दोनों को जोड़ेंगे तो कोण P का मान कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए आपको निकालना क्या है, AOB निकालना है अर्थात कोण निकालना है, तो आप पढ़े होंगे चतुर्भुज वाला सूत्र, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, चार कोण है तो चतुर्भुज लगेगा, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस है ना कोण बी हो जाएगा दोस्तों, कोण हो जाएगा आपका पी, कितना होता है 360 डिग्री, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए कोण ए का मान 90 डिग्री ना, कोण ओ निकालना आपको है, कोण बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कोण पी का मान देखिए यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, 360, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा आपका 300। देखिए पेपर खोलिएगा आपके फर्स्ट हेडिंग या सेकंड हेडिंग में रहेगा 90, 90, 180, 180 और 60 जोड़िएगा तो आपका देखिए कोण ओ प्लस यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और 180 डिग्री 60 कितना हो 240 डिग्री, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से कोण ओ निकालेंगे, देखिए 360 डिग्री पहले बराबर में है, उसके बाद प्लस में है, माइनस में हो जाएगा 240 डिग्री, तो यहाँ से कोण ओ बराबर देखिए 360 डिग्री में से 240 डिग्री लगाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया 120 डिग्री बचेगा। इस प्रकार से हम लोग कोण ए ओ बी, क्योंकि देखिए ओ बीच में है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से वो बीच में है, इस प्रकार से हम लोग कोण ए ओ बी का मान निकाल लिए हैं 120 डिग्री। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, देखिए कितना अच्छा से बता दिए हैं। समझिए फिर से, यहाँ पर जो अर्धक मान है बराबर होता है, तो 30 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, इसका ही मान इसके बराबर 30 डिग्री होगा, आपको निकालना है ए ओ बी, तो भैया कुछ नहीं करना है, चतुर्भुज नचा दीजिए एक बार, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको देख लीजिएगा, इस टाइप का सवाल है ना, आएगा ही आएगा, क्लियर है। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे देखिए, कितना अच्छा शानदार सवाल पूछा गया है, इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है 16 फरवरी को रहने वाला है, गर्दा गर्दा मचाने के लिए इस वीडियो को देखिए। कहता है एक सम षटभुज की भुजा 4 cm है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वाह क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बच्चों सम षटभुज यानी ऐसा होता है, सम षटभुज ऐसा होता है बच्चों, देखिए इस प्रकार का, यहाँ पर 4 cm, यहाँ पर 4 cm, यहाँ पर भी 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 4 cm, दिया ना। चलिए उसके बाद कह रहा है कि इसका भुजा दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल क्या, देखिए सबसे पहले तो आपको सम षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। सम षटभुज का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों वाले के लिए, सम षटभुज का जो क्षेत्रफल है वह होता है 3√3/2 गुणे भुजा स्क्वायर, ये सूत्र होता है, बस इस पर रखिए गर्दा गुड़ाई। देखिए एक का मान दिया हुआ है, भुजा का मान तो 4 cm किया है, तो बस कुछ नहीं करना है, 3√3/2 भुजा का स्क्वायर 4 × 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर है, देखिए यहां से काटिए 2 × 2 = 4, ठीक है। अब यहाँ 4 × 8 = 8, 8 × 3 = 24, यानी कहने का मतलब है आराम से लिखिए दोस्तों 24√ कितना हो जाएगा 3, क्षेत्रफल है तो cm², तो 24√3 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आपको चलिए बच्चों ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों का कहना है कि सर थोड़ा सा फिर से बताइए, ठीक है ओके बता रहे हैं।
यहाँ पर देखिए, इस टाइप का सवाल आपको परेशान करेगा, हैरान करेगा, क्योंकि लग रहा है आसान, आपको आप लोग को देखने में लग रहा है आसान, लेकिन आप लोग ऑप्शन जो है गलत मार के आ सकते हैं। इसलिए मेरा प्रयास है कि आपको समय से पहले इसको बताना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए फिर से बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद रखते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि एक सम षटभुज की भुजा 4 cm है, यानी कहने का मतलब है कि a का मान 4 cm दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सम षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए आप लोग, होता है 3√3 / 2 गुणे भुजा स्क्वायर, यही सूत्र होता है दोस्तों। इसको रट्टा मारिए फटाफट, तो यहाँ देखिए 3√3 हो गया बाई टू, भुजा का मान दिया 4, तो 4 × 4 होगा बच्चों, तो काटेंगे 2 × 2 = 4, ठीक है। उसके बाद बचेगा 3√3 ना गुणे 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए एक अंडर रूट है तो अलग हो जाएगा, 8√3 = 24√3। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल पूछा गया है तो सीएम दिया तो सीएम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग आंसर मारेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों, उम्मीद रखते हैं कि गर्दा गर्दा उड़ाएंगे आप लोग। एक और सवाल आप लोग के लिए लाए थे, देखिए उसको मैं बना रहा हूँ। ये पहला मैंने बताया था आप लोग, एक और देखिए, ओ हा 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 क्या सवाल है बच्चों। ये सवाल जो है आपको इस टाइप का सवाल रखने वाला है 16 फरवरी को, टाइप नंबर आपका बता चुके हैं 4। यहाँ देखिए कह रहा कि यदि L समानांतर M हो तो तब A का मान ज्ञात कर दीजिए। देखिए बच्चों पहले मैं समझा दूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधी रेखाओं के लिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो मान है इसके बराबर होता है और ये ऊपर है तो ये भी ऊपर रहेगा। ध्यान रखिए यही नियम है इसका, यानी ए वाला मान जो इसके बराबर होता है ए वाला मान इसके बराबर होता है, ठीक है, और ये होता है 180 डिग्री पर, ठीक है। चलिए तो अब तो समझ गए होंगे आप लोग, तो आराम से इसको हम लोग बना सकते हैं, समझिए बारीकी से मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में आपको 100 में 100 लाना है, तो दम धैर्य पूर्वक जो क्वेश्चन आए पहले उसी को हल करना है नंबर डाल के, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर बोला है 3a, देखिए 3a प्लस 60 डिग्री बराबर कितना है बच्चों, देखिए इस, क्योंकि इसके इसके नीचे है L के, ये भी नीचे है, बराबर हो जाएगा 4a प्लस 40 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद 3a उतारेंगे, ए प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब यहां से 40 डिग्री उतरेगा बच्चों, उसके बाद 60 डिग्री प्लस में है बाबू तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो देखिए 3a में से 4a घटाई, देखिए कर्ज में है यहाँ बचेगा माइनस a, ये भी कर्ज में है यहाँ बचेगा माइनस 20 डिग्री, यहाँ से बराबर माइनस कट जाएगा बच्चों। इस प्रकार से a का मान कितना आया 20 डिग्री, ऑप्शन देखिए कौन सा है सी ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद रखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आप गर्दा गर्दा मचाने वाले हैं और बिहार बोर्ड में अपना जो है कि 100 में 100 मैथ थोपने वाले हैं, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अन्य दोस्तों के पास, समय कम है, ठीक है, थैंक यू।